Hello my friends, welcome to B.Edu Care. So let's talk about the NLU Bhopal, the National Law Institute University Bhopal. Guys, बहुत अच्छी institute है. Guys, one of the best legal institute in India. और अगर आप cyber law में अपना career बनाना चाहते हो, then guys, इसके अलावा आपको कोई और institute नहीं मिलने वाला. Yes guys, क्योंकि ये home है राजीव गांधी नेशनल साइबर लॉ सेंटर के लिए. सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. यहाँ हम इन डिटेल बात करने वाले हैं, जस्ट लाइक अबाउट इट, अबाउट द कैंपस, अबाउट इट्स फैसिलिटीज, एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, थरो एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, कितनी सीट इनटेक यहाँ है, कट ऑफ क्या कहता है, किस पर्टिकुलर रैंक रेंज में आपको रहना चाहिए, फी स्ट्रक्चर क्या है, आइदर इट्स वर्थ इट और नॉट, और इसके प्लेसमेंट स्टैट्स क्या कहते हैं, क्या हमें NLU भोपाल ट्राई करना चाहिए, क्या टॉप 5 इंस्टीट्यूट में ये आता है या नहीं, विल टॉक इन डिटेल. सो बिफोर मूविंग फॉर द न्यू बैच स्टार्टिंग एट B.Edu Care, यू कैन ज्वाइन फॉर क्लैट प्रिपरेशन. देयर विल बी सेपरेट बैच विद रिस्पेक्ट टू द क्लैट. यू कैन ज्वाइन अवर क्लासरूम सेशन एट घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड अवर ऐप नाउ, गेट फ्री रिसोर्सेज एंड फ्री मॉक, एंड फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम. लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. द नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल NLIUB is leading law college situated at Kerwa Dam Road, Madhya Pradesh. So MP के candidate हो, आपके लिए भी reservation है, और MP से ही हो तो कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है. आपके लिए top legal institutes है, the number one in MP, and we can say that the number fifth all over India. It was established by the राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम by an act नंबर 41 ऑफ 1997. सो ये एस्टैब्लिश हुआ 1997 में, एंड NLIU इज द सेकेंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश आफ्टर NLSIU बेंगलुरु 1. सो गाइज, आप रेपो देख सकते हो, इसकी पॉपुलैरिटी देख सकते हो कि NLSIU बेंगलुरु के बाद में जो सेकेंड नंबर पे NLU एस्टैब्लिश हुआ था वो NLU भोपाल था. ना सिर्फ इसकी कैंपस फैसिलिटी अमेजिंग है, लेकिन यहाँ की फैकल्टीज भी काफ़ी अमेजिंग है. काफ़ी सारे लीगल लेजेंड्स के यहाँ गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, और आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि वो यहाँ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाले हैं. इस इंस्टीट्यूट के काफ़ी सारे फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, और उसी की वजह से काफ़ी सारे MOUs है विद फॉरेन इंटरनेशनल्स. इतने सारे MOUs तो किसी और इंस्टीट्यूट के भी नहीं है गाइस. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एयर एंड स्पेस लॉ, लीडन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया स्कूल ऑफ लॉ, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी ऑस्ट्रेलिया, एंड वाइकाटो यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड. काफ़ी सारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, और इसी की वजह से जो आपका हायर प्लेसमेंट स्टैट्स है गाइस, काफ़ी अमेजिंग हो जाता है अगर मैं इंटरनेशनल पैकेज की बात करूँ. नाउ ये तो लगता है कि भाई वर्थ इट है, 11 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है यहाँ. अब बात करते हैं रैंकिंग को लेकर. सच में NLU इज रैंक थर्ड इन इंडिया अमंग ऑल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज. निर्फ रैंकिंग की बात करूँ देन स्टैंड एट 18th प्लेस. गाइज, निर्फ रैंकिंग में आना भी अपने आप में एक बात होती है, क्योंकि निर्फ काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखता है, हर एक पैरामीटर, चाहे वो स्टडी को लेकर हो, चाहे वो कैंपस की फैसिलिटीज को लेकर हो, चाहे वो आपके प्लेसमेंट स्टैट्स को लेकर हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर हो. सो ओवरऑल अगर बात करूँ, थर्ड नंबर अमंग ऑल द NLUs एंड फिफ्थ नंबर इन इंडिया अमंग ऑल द लीगल इंस्टीट्यूट्स. अप्रूव्ड बाई BCI, UGC एंड MHRD. इट ऑफर्स वेरियस प्रोग्राम्स लाइक BLLB ऑनर्स, BSc LLB ऑनर्स, जो कि आपको मिलती है साइबर सिक्योरिटी के लिए. LLM की डिग्री आप यहाँ से परसू कर सकते हो. मास्टर इन साइबर लॉ, PG डिप्लोमा, PhD प्रोग्राम्स, वेरियस सर्टिफिकेट कोर्सेस यहाँ है. और गाइज, रैंकिंग की बात करूँ, लॉ स्कूल रैंकिंग, NLIU हैज़ बिन रैंक अमंग द टॉप लॉ स्कूल्स इन इंडिया बाय इंडिया टुडे, आउटलुक एंड द वीक. और अगर बात करूँ, ओनली टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट एडमिशन इन द NLIU. सी ओवर हियर, अपीयरिंग फॉर द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट अक्रॉस द कंट्री आर ग्रांटेड एडमिशन इन टू द NLIU. सो गाइज, कॉम्पिटिशन बड़ा टफ है यहाँ. आपको जो प्रिपरेशन है वो बेहद अच्छी तरह से करना होगा, और प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, इस नंबर पर कॉल करो और आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो. एलुमनाई नेटवर्क, NLIU ग्रेजुएट्स वर अमंग द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द पार्टनरशिप एट इंडियाज बिगेस्ट लॉ फर्म्स. सो लीगली इंडिया सर्वे के अकॉर्डिंग ये सारे स्टैट्स मिले गाइज. टॉप 1% में आप आना चाहते हो या नहीं, कुछ और फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं, क्यों ना आए. कैंपस एंड फैसिलिटीज, द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स एक्सेस टू द स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमिक एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर. काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है गाइज, आप देख सकते हो. यहाँ जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट है वो है द ज्ञान मंदिर, विच हाउसेज अ रिच लाइब्रेरी, अ कंप्यूटर सेंटर एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स. NLIU इज ऑल्सो होम टू द राजीव गांधी नेशनल साइबर लॉ सेंटर established by the MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो गाइज, फैसिलिटीज अमेजिंग है, कनेक्टिविटी भी बड़ी बेस्ट है. बस स्टॉप से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर, 24 मिनट्स रिक्वायर्ड टू रीच द एयरपोर्ट, 15 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से. सो भोपाल में है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. हॉस्टल फैसिलिटीज है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, जिम्नाजियम
ऑडिटोरियम फैसिलिटीज़ है, कन्वेंशन सेंटर है जो कि ऑलमोस्ट 900 कैपेसिटी का है एट अ टाइम विथ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी। क्लासरूम्स है, वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स है, यहाँ बैडमिंटन कोर्ट्स आपको मिलने वाला है, यहाँ टेबल टेनिस आपको मिलने वाला है, अगर मैं बात करूँ लॉन टेनिस की तो भी उसका कोर्ट आपको मिलने वाला है। और गाइस इतना ही नहीं, यहाँ जो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इवन जो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है उसका एक नाम है NLIU INADR, जो इंटरनेशनल मेडिएशन कंपटीशन कंडक्ट करता है, और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनली विजिट करते हैं और उनके लिए जो फंड है वो यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करता है विथ रिस्पेक्ट टू ईच पर्टिकुलर स्टूडेंट। सो आपको एक्सपोजर मिलता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करने का भी और वहाँ अपना टैलेंट दिखाने का। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कैंपस और उसकी फैसिलिटीज़, मैं एक ही वर्ड कहूँगा, जस्ट अमेजिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। सो BLLB का प्रोग्राम आप यहाँ से परसू कर सकते हो, और आप परसू कर सकते हो BSc LLB इन साइबर सिक्योरिटी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देना है CLAT का एग्जाम। कैंडिडेट शुड पास 10+2 और इक्वलेंट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए आपके। अगर आप जनरल OBC, PWD, NRI, PIO या OCI कैटेगरी से बिलोंग करते हो 40% मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द SC/ST कैटेगरीज। कैंडिडेट्स वो मे बी अपीयरिंग फॉर देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन मार्च और अप्रैल, एग्जाम हो रहा है दिसंबर में, ठीक है, क्लैट का, और आपका जो 12th हो रहा है वो मार्च अप्रैल में हो रहा है, तो भी आप दे सकते हो। देर इज़ नो अपर एज लिमिट, ये हम सब जानते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 120 है, पहले ये 150 हुआ करते थे, अब आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम ड्यूरेशन मिल गया है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके पास एक मिनट है। सो गाइज टाइम ले लो, नेगेटिव मार्किंग है इसका हमें ध्यान रखना है, और जो स्कोर लाना है गाइज काफ़ी अच्छा लाना है, क्या एग्जैक्टली कट ऑफ होने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो सेक्शन है गाइज, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये सारे सेक्शंस होने वाले हैं, इतने पर्टिकुलर क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो ओवरऑल 120 में से क्या स्कोर लाना है, लेट्स टॉक। लेकिन क्या हम एलिजिबल है वहाँ एडमिशन लेने के लिए, सो बात करते हैं सीट्स एंड रिजर्वेशन को लेकर। NLIU शाल एडमिट स्टूडेंट्स टू इट्स BLLB कोर्स एज पर द फॉलोइंग टेबल। ओवरऑल जो सीट्स है वो 134 सीट्स है, शेड्यूल कास्ट को लेकर 16% सीट्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस 14, NRI स्पॉन्सर्ड 18, सुपरनमेरी कोटा जो कहते हैं हम EWS कैंडिडेट 12, शेड्यूल ट्राइब 20%, नंबर ऑफ सीट्स 20, जनरल 52 एंड सुपरनमेरी कोटा फॉर जम्मू एंड कश्मीरी माइग्रेंट और जम्मू कश्मीर रेसिडेंट कैंडिडेट 2 सीट्स। ओके 30 सीट्स आर हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स, दैट मीन्स 30% सीट जो होती है वो वुमेन कैंडिडेट से फिलअप होनी चाहिए। 5 सीट्स आर हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब बात करते हैं BSc LLB के लिए। सो जो साइबर सिक्योरिटी की जो सीट्स है दैट इज 68, और यहाँ शेड्यूल कास्ट को लेकर 8 सीट्स है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर 7, सुपरनमेरी कोटा फॉर EWS 6, NRI स्पॉन्सर्ड एज पर द NLIU रूल्स 9 सीट्स, शेड्यूल ट्राइब के लिए 10, अनरिजर्व दैट मीन्स जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ है 26 सीट्स एंड जम्मू कश्मीर रेसिडेंट 2 सीट्स। 15 सीट्स आर हॉरिजॉन्टल रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स यहाँ, एंड 3 सीट्स आर हॉरिजॉन्टल रिजर्व फॉर द पर्सन विद डिजेबिलिटी। सो ओवरऑल सीट तो है भाई, आप चाहे ऑल इंडिया कैंडिडेट हो, चाहे आप MP से बिलोंग करते हो, आप ट्राई कर सकते हो NLIU भोपाल। नाउ कट ऑफ की बात करते हैं। सो जनरल को लेकर क्या कट ऑफ रहा है, जो आपका ओपनिंग रैंक है 186 से लेकर 407। गाइज हम टॉप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं और ये आता है थर्ड रैंक पर। सो ऑब्वियसली इसकी जो रैंक होनी चाहिए बिलो 400 होगी तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। देखो जनरल कैटेगरी का जो रैंक है ना, इसे हमेशा टारगेट करो, आप चाहे कोई भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हो। देखो जनरल कैटेगरी MP को लेकर 427 भी स्कोर किया है स्टूडेंट ने, 450 भी स्कोर किया है, 470 भी स्कोर किया है, 951 पे क्लोज हुआ है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि हमें 950 या 900 के आसपास आना है, हमें आना है 400 के आसपास ताकि हमारा एडमिशन जो ईजिली हो सके। EWS को लेकर 680 से लेकर 1150, OBC को लेकर 1125 टू 1268, OBC मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो 1317 टू 2511, SC को लेकर 3476 टू 4739। आप देखोगे गाइस की रैंकिंग जो है काफ़ी दूर नहीं है, मतलब 10,000, 15,000 या 20,000 इसके बीच नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये टॉप इंस्टीट्यूट में आता है। सो आपका जो स्कोर होना चाहिए बिलो 400 हमेशा टारगेट रखना है, और भले पेपर पैटर्न चेंज हो चुका हो, सेफ स्कोर टारगेट करो 90 टू 95, तब आप 80 टू 85 के बीच आ सकोगे और आप इजीली उस पर्टिकुलर रैंक रेंज में आ जाओगे जहां आपको NLIU भोपाल में एडमिशन मिल जाएगा।
अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर को लेकर. सो आइदर इट्स वर्थ इट, फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम है गाइस. सो बायफिकेशन आप देख सकते हो, एडमिशन फीस आपकी वन टाइम होने वाली है, दे आफ्टर कुछ रिफंडेबल फीस भी होने वाली, जैसे कि कॉशन मनी, लाइब्रेरी डिपॉजिट, हॉस्टल डिपॉजिट. सो ओवरऑल जो फी स्ट्रक्चर आपकी होती है दैट इज़ 2,80,150 rupees पर एनम. हालांकि ये फीस आपकी नेक्स्ट ईयर में सेम नहीं होने वाली, यहाँ कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप मान के चलो कि भाई 2.5 लाख से 3 लाख मुझे इन्वेस्ट करने हैं हर साल. सो इतना जब इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो क्या उतना पर्टिकुलर रिटर्न आपको मिल रहा है? आइदर इट्स वर्थ इट और नॉट, देन गाइज मेरा आंसर है कि भाई वर्थ इट है. आप आंख बंद करके इस कॉलेज को ट्राई कर सकते हो. स्टूडेंट ऑफ NLIU हैव एन एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड इन द प्लेसमेंट एंड आर प्लेस इन नंबर ऑफ लीडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ फर्म्स, बैंक, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स एक्सेट्रा, टू नेम ऑफ यू. आप देख सकते हो जैसे ये सारे लॉ फर्म्स है, टॉप लीगल फर्म्स है. ट्राई लीगल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन, अमरचंद एंड मंगलदास एंड सुरेश, ए श्रॉफ एंड कंपनी. फॉरेन लॉ फर्म्स यहाँ विजिट करते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉरपोरेट हाउसेस जहाँ इंटरनेशनल पैकेज आपको मिल सकता है 30 लाख पर एनम तक. हाईएस्ट पैकेज आपको मिलने वाला 20 to 25 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 18 लाख पर एनम एवरेज. हमें यहाँ देखना है कि भाई 16 से 18 इतना भी अगर हमें एवरेज मिल रहा है, इट्स वर्थ इट. हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 से 12 लाख रुपए, वो भी 5 इयर्स के लिए, और नेक्स्ट ईयर में जब हमें इतना मिल जाता है देन इसका मतलब है कि यहाँ हमें बेस्ट ROI मिल रही है. नेशनल लॉ फर्म्स आपको प्रोवाइड करती है 10 लाख to 16 लाख पर एनम, इंटरनेशनल लॉ फर्म्स प्रोवाइड करते हैं 17.5 to 30 लाख पर एनम, और कॉरपोरेट अगर मैं बात करूँ देन 4.5 स्टार्टिंग आपकी रेंज हो जाती है, हाईएस्ट 11 तक जाता है. और यहाँ आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया ना गाइस, तो यही पैकेज आपका 4.5 का सीधे पहुँचेगा 10 से 15 लाख पर एनम तक. सो गाइस अगर ऐसे ही कुछ टॉप नॉच कंपनीज में काम करना है तो प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना है. आज आप मेहनत करोगे, फल आपको ज़रूर मिलने वाला है गाइस, और वो मिलेगा बाद में. इसलिए कहते हैं ना कि मेहनत करते जा, फल की चिंता मत कर. तो आज हमें प्रिपरेशन करना है क्लैट का, उसके बाद एडमिशन लेना है NLIU भोपाल में, और यहाँ से अगर आपने 5 इयर्स का प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया भाई, लाइफ सेटल है, और क्या चाहिए. सो ओवरऑल मेरे हिसाब से गाइस दिस कॉलेज इज वर्थ इट. ऑलवेज ट्राई एट थर्ड प्लेस, और यहाँ जाना बनता है. सो वन स्टार्ट प्रिपरेशन, join us at Dombivli Ghatkopar and Dadar for offline preparation, and in case you are pan india student you can interact live with us, call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram. That's all guys, all the best for your career, see you on the next video.